स्वयं इस बात को एग्री कर रहे हैं कि हाँ इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, पाकिस्तान आर्मी की, तो अब ये क्लियर हो गया कि वो उन बच्चों का जो कुछ टॉर्चर किया गया वो पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने ही किया। और आज 25 साल हो गए हैं न्याय पाने के लिए डॉक्टर कालिया, उनके पिता, जो इंटरनेशनल लॉ कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात की, और इसी उम्मीद पर आज वो चल रहे हैं कि उनको न्याय मिलेगा। तो जब पाकिस्तान आर्मी चीफ ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि कारगिल वार में पाकिस्तान सेना के ट्रूप्स थे, इट वाज ऑल ए वार इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान, तो उन बूढ़े मां बाप को के दिल को सुकून देने के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो होना चाहिए। और बाकी जैसा कि मैंने बताया अभी कि वो सारे पेरेंट्स, वो सारी विधवाएं, वो सारे बच्चे किस जिंदगी की जंग से कैसे गुजर कर आज पहुंचे हैं, इस बात का वो मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता, लेकिन बहुत बड़ा दर्द है। और मैं ये समझता हूं, मैं ये चाहता हूं कि दोनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान शांति के साथ विद पीस, रिजॉल्विंग टू पीस, एक अच्छे नेबर की तरह रहे। इसी में दोनों देशों की आगे तरक्की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।